हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज 6 दिसंबर 2022 SSCGL का 4 शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। इसमें पूछे गए GK प्लस साइंस प्लस करेक्ट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए अभी तक आपको जो CGL में जितना भी शिफ्ट में अभी तक एग्जाम हुआ है सबका GK GS का PDF चाहिए तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑल क्वेश्चन आर 100% रियल, 4 शिफ्ट का 100% रियल क्वेश्चन है। आप पेपर देख करके आए हैं 4 शिफ्ट का तो क्वेश्चन मिलाना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना पेपर 100% रियल है या नहीं। वीडियो का PDF चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा या तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और अभी तक का CGL का GK जिसका जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसका PDF चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। देखिए बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को एकत्रित करने में, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जितने लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब ग्रुप एवं शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था निपुण योजना किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निपुण योजना भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से 2026-27 तक 3री कक्षा के अंत तक छात्र को पढ़ने लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। यह योजना आगे क्या लिखा है, बच्चों के विकास के लिए बहुत कारगर साबित होगी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया, अभी जस्ट एक दो दिन पहले पूछा गया था ये क्वेश्चन, सेम रिपीट क्वेश्चन है। द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म देखिए इतना तारीख को हुआ था, भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिक है। वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सदस्यता थी। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजाति समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं, याद रखिएगा आप लोग। 15वीं नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंग्लिश का बात करें तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया कि बिलीव का साइन ऑफ पूछा गया था, तो आप देख लेना, एक्सेप्ट अंडरस्टैंड टेक ट्रस्ट बाय एज्यूम, आगे क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट और सोलो, मेरा रहना आप क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगलों ने अहमदनगर पर कब कब्जा किया था, मुगलों ने अहमदनगर पर कब कब्जा किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अहमदनगर की रक्षा नवंबर 1995 में अहमदनगर पर मुगलों ने हमला किया, कब, 1595 में, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न, एक क्वेश्चन था पोलिटिकल से कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत जनगणना गणराज्य में कार्यकारी अधिकारी का प्रयोग करता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न, एक और साइनो पूछा गया था, दो साइनो था और एक एंटो पूछा गया था, स्टूडेंट ने बताया। इंड्यूस का साइनो पूछा गया था, क्या एक्टिवेट ब्रीड ब्रिंग अबाउट काउज कॉक्स कन्विंस और क्या दिया हुआ है, इंगेंडर जनरेट, जो भी होगा आप मिला लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि करो और करो मरो का नारा किसने दिया था, इसी को सवाल था, करो मरो का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन गुजरात का डांस नहीं है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था आपको, 3 ऑप्शन था गुजरात का डांस, एक पूछा था नहीं था, तो बताना था कौन सा। देखिए ऑप्शन में डांडिया था, गरबा था, स्टूडेंट ने बताया, तो ये दोनों तो गुजरात का नृत्य है और एक कोई नृत्य दिया होगा जो गुजरात का होगा, चौथा एक था जो गुजरात का नहीं था, वही आपको टिक करना था। बाकी आप पेपर देख के आ रहे थे, कमेंट में बताना ऑप्शन क्या क्या था, दो और ऑप्शन क्या था। एक क्वेश्चन पूछा गया जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब माना जाता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा के भाद्रपद महीने में 8वें दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त और सितंबर का 7 अधिव्यक्ति की आधी रात को हुआ था, कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं प्रश्न, तो चलिए प्रश्न हम लोग को यहीं तक मिल पाया है। बाकी आप पेपर देख के आ रहे हैं तो और कोई क्वेश्चन याद होगा तो कमेंट कर दीजिए। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते भी हैं तो उनको धन्यवाद। आप पेपर देख के आ रहे हैं 4 शिफ्ट का, तो प्लीज़ और क्वेश्चन याद होगा तो कमेंट कर दीजिए, चूँकि आगे जो हमारे भाई बहन का एग्जाम होगा उनको हेल्प मिल सके। बाकी क्वेश्चन है एकत्रित करने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब ग्रुप वगैरह शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और देखिए अभी तक का GK GS में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है CGL में उसका ऑल PDF चाहिए, तो आपको नंबर दिया हुआ था पहले वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर व्हाट्सअप करके ऑल PDF ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।